ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਸਹਿ ਅਤੇ ਅਕੈਦ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਸਮ ਸੂਦ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਸਮ ਸੂਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਸਮ ਸੂਦ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਖਾ ਪੈਲੇਸ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 2 ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਮੁਗਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੁਸਮ ਸੂਦ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ईश्वरता के बनाए हुए सृष्टि में हम सभी अपने अपने कर्म फल को करने के लिए बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए हमने विगत जन्मों में, उनका फल पाने के लिए, उन कर्मों को भी भोग करने के लिए जो हमने अच्छा नहीं किया हम उन्हें भी भोग करने के लिए संसार में आए हैं। और इसलिए भी आए हैं कि अब हम और बेहतर कर्म करें, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमने मनुष्य का चोला पाया तो हमने बड़े अच्छे कर्म किए। समस्त शास्त्र भी यही कहते हैं कि मनुष्य का चोला पाना तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम है। इस बात का परिचायक है कि तुमने विगत जन्मों में बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए, बड़े पुण्य आत्मा, तुम बड़े तपस्वी थे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उस तपस्वी जीवन को बिताकर जो कमाई तुमने प्राप्त की और जिससे तुमने फिर से मानव चोले को पाया है, यहां आकर इस चोले के महत्व को तुम समझ नहीं पा रहे। तुम इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहे हो, तुम इस मनुष्य जीवन को ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़े, इन पशुओं जैसे वृत्तियों को अपना कर रहे हो, जीवन को दुखमय बना रहे हो, और यही तुमसे बड़ी भूल है।
इसलिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए दिव्य गुणों को धारण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। ईश्वर कृपा से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय दिवंगता श्रीमति कुसुम सोची कि प्रभु आपने जिस भी जीवन और जन्म जिस परिवार का आपने व्यवस्थित किया वहां उन्हें आत्मकल्याण और सद्बुद्धि की प्राप्ति, समस्त सूत परिवार के साथ आत्मीयता रखने वाले आप सभी शहर के गणमान्य जन जो अपने बहुमूल्य समय देकर परिवार की इस दुख के दारुण योग तथा के क्षण में आप उपस्थित हुए, समस्त सूत परिवार की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जब कभी भी परिवार में सुख दुख की घड़ी में ऐसे परिवार के आप साथ देते हैं ताकि सुख में आए तो सुख बढ़ जाता है, दुख में आए तो दुख घट जाता है। आपके बहुमूल्य सहयोग के समय दान के परिवार की ओर से एक बार फिर से आभार। और आज विशेष एक हमारे दुखद समाचार साथ में यह है कि श्री विजय शास्त्री जी जो यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे अचानक अभी अभी संदेश उनका मिला कि लुधियाने में उनके दूसरे बहन श्रीमती आशा रानी, उनके उनका छोटा बेटा श्री रमन जो 30 वर्ष का अविवाहित था अभी 2 घंटे पहले उनको ब्रेन हेमरेज के कारण देहांत हो गया। उन्होंने ये दुख के सूचना दी जो यहीं पर आकर उन्होंने भी परिवार के एक सदस्य की तरह उन्होंने आपके शब्द बने कहना था, धन्यवाद करना था। तो कहते कि मैं अभी लुधियाना जा रहा हूँ, समस्त सुख बरादरी शहर के लोग वहां उपस्थित होंगे, मेरे दुख की इस घड़ी में सब मिलकर प्रभु से उन्होंने प्रार्थना की, सभी जन मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सब एक ऐसा नौजवान जो भी जीवन देखने की तरफ अभी बढ़ ही रहा था उसका देहांत हो गया है, सब मिलकर सभी से आप प्रार्थना करना कि सभी इनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमात्मा का कल्याण हो। तो आज हम खुद परिवार के साथ श्रीमती कुसुम सो जी के आत्मकल्याण में सदगति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते कि प्रभु उन्हें आत्मकल्याण देना, सदगति देना और हम सब आत्मीयजनों को परिजनों को इस दारुण जीवन के साथ प्रसाद करने की शक्ति देना, सामर्थ्य देना, बल और धैर्य प्रदान करना। तेरे चार दिन दे जिंदगानी ओ बंदे आप मान ना करे, तेरे चार दिन दे जिंदगानी ओ बंदे आप मान ना करे, जिनमें लग जाए न ते आधा पानी ओ बंदे आप मान ना करे, जिनमें लग जाए न दे आधा पानी ओ बंदे आप मान ना करे, थोड़े आसे ना दे थे रस है बहार दे, थोड़े आसे ना दे थे रस है बहार दे, बस चार दिन दे जिंदगानी ओ बंदे आ